दूसरा है जियो फाइनेंशियल्स को लेकर। 25 शेयर है उनके पास जो 350 रुपए प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने खरीदे थे और 4 से 5 साल का नजरिया उनको चाहिए। राजेश जी, दोनों ही स्टॉक्स पर क्या राय रहेगी? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर लॉन्ग टर्म नजरिया और अशोक लेलैंड में अगर नए पोजीशंस बनाने हैं तो क्या ये सही समय होगा? देखिए, अशोक लेलैंड में उनको फ्रेश पोजीशंस लेनी है। डेफिनेटली एक अप ट्रेंड में है और काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं ओवरबॉट है डेली चार्ट में और डबल टॉप फॉर्मेशन जैसा दिख रहा है 240 के आसपास। तो मैं सलाह दूंगा, अगर वो उनको एंटर करना ही है तो थोड़ा सा वेट कीजिए। 225 220 के स्तर आते हैं तो वहां पे वो बाय कर सकता है, फिलहाल के लिए वेट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है जियो फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल सर्विस। इसमें अगर देखें तो लास्ट फ्यू मंथ से रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, बट 340 के आसपास एक काफी अच्छा बेस बना है स्टॉक में। 89 ईएमए का सपोर्ट है, ऊपरी स्तर पे 390 400 के रेजिस्टेंस है, वो वापस रिटेस्ट होते हुए हमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है नज़रिया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर।